वेलकम बैक टू अवर चैनल सैयद अमान अली। आज का जो वीडियो है ये हमारा कोर्स का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ एआई के तीन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन टू एआई, दूसरा है हाउ टू कमांड एआई, और तीसरा है डिसएडवांटेज ऑफ एआई। ये तीन चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो बहुत छोटी होगी। तो चलिए पहले से आपको बता दूंगा इंट्रोडक्शन टू एआई। तो एआई जो होता है वो एक चैटबॉट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे इस कोर्स में हम एआई को एज ए चैटबॉट यूज करेंगे। ये जो एआई रहता है ये बेसिकली आपके कमांड्स का आंसर देने के लिए प्रोग्राम होता है। इसे आप चैट जीपीटी 3.5 है, चैट जीपीटी 4.0 है, बार्ड है, वाइसमेट है, ऐसे बहुत से एआई चैटबॉट्स बने हुए हैं। वाइसमेट भी आपको पेड देखने को मिलेगा, और चैट जीपीटी का भी बॉट ओपन एआई का आपको पेड देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो हम यहाँ पर एक बॉट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है बार्ड, ये गूगल की तरफ से एक चैटबॉट है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अपडेटेड बॉट है। और दूसरी बात, हम इंट्रोडक्शन टू एआई में जो करने वाले हैं कि आप एआई को उल्टे सीधे सवाल मत कीजिए, जैसा कि एक विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस, या विल एआई एंड मैन बिकम एनिमीज, ऐसे क्वेश्चंस आप एआई को मत पूछिए। इससे एआई जो है वो डी कमांड हो सकता है, और हो सकता है कि वो एआई की कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगी। इसीलिए इंट्रोडक्शन टू एआई में मैंने आपको ये बात बताना जरूरी समझा। तो हम हाउ टू कमांड एआई में पहला जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कंटिन्यूअस कमांडिंग। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कंटिन्यूअस कमांडिंग होता क्या है। तो हम यहाँ पर एक कमांड देंगे, राइट ए एसे ऑन गांधी जी। तो एआई बॉट अपना आंसर जेनरेट कर रहा है दोस्तों, इससे मिनिमम 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा ही नहीं लेगा। तो देखिए इसने गांधी जी पर बहुत बड़ा ऐसे लिखा है। तो कंटिन्यूअस कमांडिंग का एक एडवांटेज ये होता है कि आप एक चैट में अगर बॉट से बात कर रहे हैं तो वो उसे याद रखता है। जैसे अब मैंने इसे महात्मा गांधी का ऐसे दिया है, तो अब मुझे ये शॉर्ट करना है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 300 वर्ड्स का चाहिए। सो आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट ओनली इन 300 वर्ड्स। अब मैंने लिख दिया आई वॉन्ट ओनली इन 300 वर्ड्स, तो ये 300 वर्ड्स में मुझे महात्मा गांधी का ऐसे दे देगा। इसे हम बेसिकली कहते हैं कंटिन्यूअस कमांडिंग। कंटिन्यूअस कमांडिंग से बहुत चीजें आसान हो जाती है। एआई को आपने जो पहला मैसेज भेजा वो उसे भी याद रहता है। और कंटिन्यूअस कमांडिंग का दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है, वो है समराइजेशन। मैं आपको समराइजेशन क्या होता है बताता हूँ। अगर हम कहीं से भी कुछ भी पैराग्राफ कॉपी कर लें, तो हम एग्जाम्पल के लिए इसी जनरेटेड ऐसे में से एक पैराग्राफ कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं इस पैराग्राफ को यहां पर सेंड कर दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इस पैराग्राफ को इसने पढ़ लिया है। इसके बारे में ये अब बहुत बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने ये पैराग्राफ मेनली इसीलिए भेजा है क्योंकि हमें इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो हमें यहां पर लिखना समराइज द पैराग्राफ विच आई सेंडेड। तो एआई बॉट जो है वह अब समराइज करेगा दोस्तों। तो देखिए गाइस, हमने समराइज द पैराग्राफ कहा था, उसने उतने बड़े पैराग्राफ को छोटे से पैराग्राफ में समराइज कर दिया है। ये होती है कंटिन्यूअस कमांडिंग की पहली एडवांटेज, और कंटिन्यूअस कमांडिंग बेस्ट तरीका है कमांड करने का। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो एआई बॉट्स का एक डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। ये डिसएडवांटेज क्या होता है, ये सिर्फ चैट जीपीटी 3.5 में डिसएडवांटेज ये देखने को मिलेगा, और एज वेल एज वॉइस मेट जो आप फोन में यूज करते हैं उसमें भी आपको ये डिसएडवांटेज मिलेगा कि वो सिर्फ 2021 सितंबर 21 के पहले जो डाटा आया है उसी डाटा के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ बार्ड बॉट यूज किया है। बार्ड बॉट की एक बहुत बड़ी एडवांटेज जो है, ये डेली बेसिस पर अपडेट होता है। ये चैट जीपीटी की तरह 2021 सितंबर 21 की पिछली इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं करता है। तो मैं आपको बेसिकली बार्ड बॉट ही रिकमेंड करूंगा अपने इस कोर्स में आप यूज करने के लिए। आप फोन में भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसी यूज करने के लिए ही ये बॉट नहीं बना है। तो चलिए मिलते हैं अपने हमारे अगले वीडियो में। बाय।